झांसी के रानी लक्ष्मीबाई पार्क में बने मेजर ध्यानचंद संग्रहालय का शुभारंभ। हॉकी के खेल को समर्पित इस संग्रहालय में मेजर ध्यानचंद के जीवन से जुड़ी स्मृतियां और घटनाएं खेल प्रेमियों को डिजिटल माध्यम से देखने के लिए उपलब्ध हैं, जिसके अंतर्गत कुल 20 से ज्यादा जोन बनाए गए हैं। एक इंटरैक्टिव स्लाइडिंग डिस्प्ले के माध्यम से मेजर ध्यानचंद जी की जीवन गाथा को प्रदर्शित किया जा रहा है। वहीं मेजर ध्यानचंद जी के अनेकों पहलू इंटरैक्टिव टच स्क्रीन के माध्यम से मेजर ध्यानचंद जी के व्यक्तित्व को समझने में आसानी होगी। हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद ने ओलंपिक खेलों में भारत को जिन 3 अहम अवसर पर जीत दिलाकर स्वर्ण पदक के पायदान तक पहुंचाया, उसे आधुनिक तकनीक के जरिए दिखाया गया है, जिसमें मेजर ध्यानचंद म्यूजियम में उन सभी टूर्नामेंट और ऐतिहासिक मैचों को संजोकर रखा गया है। इन सभी नेशनल और इंटरनेशनल मैचों की विस्तार से जानकारी भी प्रदर्शित की गई है। साइक्लोरमा थिएटर के जरिए करीब 20 मिनट की फिल्म को भी दर्शाया गया है। हॉकी के टिप्स और तकनीक को भी इसमें सीखा जा सकता है। वहीं खिलाड़ी के रूप में संन्यास लेने के बाद NIS पटियाला के मुख्य कोच के नाते अनेक खिलाड़ियों को मेजर ध्यानचंद ने मार्गदर्शन दिया। मेजर ध्यानचंद जी को कई गणमान्य व्यक्तियों से श्रद्धांजलि भी मिली। मेजर ध्यानचंद संग्रहालय का ये कोना बेहद खास है, जहां मेजर ध्यानचंद जी की बहुत खास और महत्वपूर्ण तस्वीरों को सजाया गया है। वहीं भारत सरकार की उपलब्ध कराई गई सभी योजनाओं की जानकारी भी यहां से जुटाई जा सकती है। मेजर ध्यानचंद संग्रहालय में आकर भारत के ज्यादातर खेल संस्थानों से परिचय भी प्राप्त किया जा सकता है, जिससे कोई भी अपना पसंदीदा खेल में सही जगह प्रशिक्षण प्राप्त कर सके। एक क्विज जोन भी इसमें है, जिसमें मेजर ध्यानचंद संग्रहालय के इस हिस्से में जो विजिटर हैं वो प्रतियोगिता में हिस्सा भी ले सकेंगे, और इसके साथ साथ फीडबैक भी रखा गया है। मेहमानों को म्यूजियम में उनकी पसंद की भाषा में जानकारी मुहैया करवाने के लिए भी फीडबैक सिस्टम का इस्तेमाल होगा। हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद को समर्पित ये संग्रहालय झांसी में इसलिए बना है क्योंकि झांसी हॉकी के जादूगर पद्म भूषण मेजर ध्यानचंद जी की कर्म स्थली रही है।